अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अभी जिनका बहुत ही सटीक उद्बोधन सुना, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधायक माने सतीश पूनिया जी, भाई यशपाल जी, माने चौधरी अजय सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, यहां मेरे सामने उपस्थित देश और विदेश से बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी जाट बंधु और बहनों, प्रातःकाल से ही मैं पहले सत्र में आ गया था, इसलिए आया कि सुनेंगे। सुनना बहुत बड़ी बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, इनके नाना जी सर चौधरी छोटराम एक बात कहा करते थे कि बोले किसान मेरी दो बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। तो आदमी बोलना तब सीखेगा जब सुनेगा, जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कहां से। दूसरी बात है, आपके नाना जी के बहुत घनिष्ठ और निजाम हैदराबाद का के खिलाफ 1939 में एक आंदोलन हुआ था, जब उन्होंने सब प्रकार के पूजा पाठ और आर्य समाज और कई संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, तो एक आंदोलन हुआ था स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के नेतृत्व में। अभी मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, हमारे इन तीनों भाइयों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन बहुत ही अछूते पहलू अब भी हैं, जो बहुत सारी तरह की बातें हैं जो आपके बीच में इतिहास की दृष्टि से आ सकती है। स्वामी स्वतंत्रानंद जी लुधियाना के पास मोई के पास जट सिख थे, बाद में साधु बन गए। सर चौधरी छोटूराम जी वो हमेशा नीतिगत बातें करते रहते थे, वो एक बात कहा करते थे कि आदमी को तीन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते थे, पंजाबी थे इसलिए कई बार पंजाबी में बोलते थे, कहना बहना सहना और रहना, कि पहले तो कहना सीखो, किस समय कौन सी बात कहनी है, किस मौके पर क्या कहना है। राम नाम सत है, बात तो सत्य है लेकिन ब्याह में कहने की बात नहीं है, यह शादी के समय नहीं कही जाती, तो किस समय क्या बात कहनी है, फिर बैठना। मैं देख रहा हूं कि सुबह से ही हमारे साथी तीनों भाई संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे बार बार जा जा करके हाथ जोड़ रहे हैं, बैठने के लिए निवेदन कर रहे हैं, किस आदमी को किस सीट पर बैठना है, किसको कहां बैठना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए। बैठना सीखो। सभ्य किसको कहते हैं? जो सभा में बैठना जानता वो सभ्य है, सभा में कहां बैठना है उसको वो सभ्य कहलाता है। और रहना, रहने का भी तरीका आना चाहिए, रहने का भी सलीका आना चाहिए कि हमें किस प्रकार से रहना है। ये चीजें यदि हम सीख लेंगे, और मैं समझता हूं कि यहां हम जितने भी बंधु बैठे हैं, बहुत सारी बातें चौधरी वीरेंद्र जी ने कही, हमें एक बात सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मैं 40 साल से सामाजिक मूवमेंट में लगा रहा, आर्य समाज के माध्यम से काम किया, लेकिन मैंने देखा कि पिछले 10-15 साल से किस कौम के बच्चे कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं, और उसका एक कारण है कि हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं है,
शिक्षा की बात सबने कही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, और मैं एक अनुभव करता हूं खासतौर से राजस्थान शेखावाटी और हमारे आसपास का जो इलाका नागौर का इलाका है, अगर ये कम्युनिटी इधर बढ़ने लग जाए, हमारे सीकर में एजुकेशन की दृष्टि से आज सीकर राजस्थान का सबसे टॉप का डिस्ट्रिक्ट है एजुकेशन में। राजस्थान में 50-100 बच्चे मेरिट में आते हैं तो 50 सीकर के होते हैं, और उसके पीछे कारण है कि 100 में से 90 संस्थाएं जाट कम्युनिटी की हैं। अभी भाई श्रवण चौधरी बैठे थे, शायद चले गए, उनके पास 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। हरिराम रणवा, उसके पास 50 संस्थाएं हैं। हमारे प्रिंस के हैं योगेंद्र सुंडा, उसके पास 30,000 छात्र पढ़ते हैं। यानी सीकर की आबादी 3 लाख है, 3.5 लाख, जिसमें 12 से 1.5 लाख स्टूडेंट पढ़ता है आकर के, और वो 90% उन संस्थाओं को चलाने वाले लोग जाट हैं। हम यदि किसी काम में जुट जाएं, मेहनत करने के लिए लग जाए, परिश्रम में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये सही है, लेकिन एक दिशा में चल पड़े, ठीक दिशा में हम आगे बढ़ने लग जाए तो हमारे मुकाबले में कोई आ नहीं सकता। और हर घर में डॉक्टर, हर घर में इंजीनियर का सपन जो उन लोगों का था, आज छोटी छोटी डाणियों में मेरे लोकसभा सीकर में जाता हूं, राजस्थान के लगभग क्षेत्रों में मैं घूमता हूं, वहां पर आपको हर जगह डॉक्टर मिलेगा। अभी पहले सत्र के अंदर एक वक्ता बोल रहे थे, वो ठीक कर रहे थे, यहां अकेले दिल्ली के अंदर 700 बच्चे मेडिकल में हमारे हैं, दिल्ली पुलिस में देखेंगे तो हमारे बच्चे हैं। लेकिन आगे जो बढ़ने की बात थी, जो बात चौधरी साहब वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, व्यापारिक जगत के अंदर अभी वहां हमारी कमी है, बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से हमारे में कमी है, हमें अध्ययन की दृष्टि से रिसर्च वर्क में जाना पड़ेगा। मैं कई बार गांव में जाता हूं, गांव में बच्चों के बीच में बैठता हूं, लोगों के बीच में बैठता हूं, उनसे पूछता हूं कि आपके गांव में कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मिलते हैं, लेकिन रिसर्च के क्षेत्र में उनसे पूछता हूं कितने ने पीएचडी किया है, कितने ने डीलिट किया है, कितने ने एमफिल किया है, वहां मौन हो जाते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, व्यापार, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा? मैं आपको कह रहा था कि मैंने 10 साल पहले एक अभियान चलाया, 15 साल हो गए लगभग, पुष्कर की जाट धर्मशाला में जाट समाज के 500 बच्चों को सबसे पहले लेकर के बैठा। पहले तो उनमें से लगभग कुछ तो खिसकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनुशासन में रहने की बड़ी दिक्कत है। कैप्टन अभिमन्यु थे, उनके पिताजी से मैंने एक बार पूछा, मैंने उनसे पूछा कि चोरी साहब, आपके बेटों को आप पहले फौज में भेजते हैं, फौज में भेजने के बाद में फिर उनको व्यापार में लगा देते हो? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, जाट में सारे गुण है, कमी एक है कि अनुशासन में निर्णय जानता ही है, इसलिए पहले उनको फौज में भेजता हूं कि 5-7 साल फौज में रह करके अनुशासन सीख करके आ जाए, तो हम अनुशासित होना जान जाएं, अगर उस दिशा में हम चलने लग जाएं। तो मैंने भी ये काम किया और उसके सार्थक परिणाम निकले। जो नौजवान मेरे 5-6 दिन के कैंप में, ये किवाड़ा जी और ये लोग कई मेरे साथ में उन कैंपों में रहे, 6 दिन के कैंप में जो विद्यार्थी रह गया, अन्य बच्चों से, अन्य नौजवानों से उसकी दिशा अलग बन गई, क्योंकि वह इतिहास के बारे में जानकारी, हमें अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, अगर हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। जो कौम अपने अतीत के बारे में नहीं जानती, हमारा इतिहास कितना गौरवमय इतिहास है, कितना उज्जवल इतिहास है, महाराजा सूरजमल के इतिहास को पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी की 27 लड़ाई लड़ी, एक भी लड़ाई हारी नहीं, अगर ऐसा योद्धा कोई है तो आपकी कौम में है, और कोई कौम बताए तो सही कि जितनी लड़ाइयां लड़ी। आप महाराजा रणजीत सिंह के अफगानिस्तान तक चले जाइए, वहां तक उनका झंडा लहराता था, जहां भी देखे राजा महेंद्र प्रताप के शौर्य को आप देखेंगे, रानी किशोरी के शौर्य को आप देखेंगे। लेकिन ठीक बात कही के हमने किले को तो जीता, लाल किले पर कब्जा तो किया, लेकिन अंदर जाने के लिए के बाद में कहा कि तुम इसमें किले में खून खराबा करके आयो, इसलिए तुम्हारे शुभ नहीं है, और शुभ अशुभ के चक्कर के अंदर पड़ करके हमें बहका दिया गया, और वहां से किवाड़ उतार करके एक पलंग लेकर के वहां ढीग में जाकर के बैठ गए, खाली कर दिया। 2 बार हमने इस प्रकार की गलतियां की है। ये अंधविश्वास और पाखंड जब तक हमारे अंतस से नहीं निकलेगा,
सड़क के ऊपर आदमी बैठा है और हमारा नौजवान वहां उसके सामने बैठ के खड़ा होकर कहता है, देख मेरे हाथों में क्या है, ये लकीरें तो पेड़ों के पत्तों में भी हैं, लकीरों के चक्कर मत पड़ो, आप परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में हम गए हैं, अभी मैं हमारे प्रहलाद पटेल जी को यहां झज्जर गुरुकुल में लेकर के गया, मैंने इनको कलवानिया जी को बताया था, स्वामी ओमानंद जी भारत में कोई इस प्रकार का व्यक्ति पुरातत्व के क्षेत्र में नहीं हुआ, सारे देश में सरकार तो बाद में खुदाई करने लगी, अभी राखीगढ़ी को आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, राखीगढ़ी में सरकार की ओर से खुदाई 68 में हुई और स्वामी ओमानंद जी ने 63 में उसके ऊपर रिसर्च का काम प्रारंभ कर दिया था। इसलिए किसी क्षेत्र में भी आप जाएंगे आप कहीं भी पीछे नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अनुशासित होने की कोशिश करें, हम अध्ययन करने की कोशिश करें और मिलकर के चलने की कोशिश करें। तो मैं, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, सत्र तो तीसरे सत्र का समय हो गया और मैं सुबह से बैठ करके इसलिए आया था कि हम अपने साथियों के बीच में बैठेंगे, इनके बीच में बैठेंगे, मन से वक्ता बोलेंगे तो हो सकता है हमारे लिए भी कोई काम की बात निकल करके आ जाए। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि हम संगठित होने की कोशिश करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं करें, और ये बात यदि हमारे में आ गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें पीछे हटा सके। मैं इन हमारे तीनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, मेरे से कई बार आकर के मिले और कई बार आकर के कई तरह के सुझाव मांगे, राम अवतार परसानिया भाई हमारे, ये पीएस कलवानिया, हरिराम किवाड़ा, और केवल मात्र ये तीन नहीं है, इन्होंने अपने साथ में सैकड़ों नौजवानों की टीम को जोड़ा, इंजन तो एक ही बनेगा लेकिन दुर्भाग्य क्या गाड़ी कब नहीं चलती, जब हर आदमी इंजन बनने की कोशिश करेगा तो भैया फिर सवारियां कहां चढ़ेंगी, एक आदमी को इंजन का रूप देना पड़ेगा, एक आदमी के नेतृत्व में हमें चलना पड़ेगा, अग्रणी तो एक ही व्यक्ति होगा। तो इन तीनों नौजवानों ने जो पुरुषार्थ किया है मैं इनको बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा, और आपसे एक निवेदन करूंगा, हमारी आदत क्या है कि अब की बार इन्होंने कर लिया, अगली बार देखेंगे कैसे करेंगे, हमें मंच पर नहीं आने दिया, हमें फोटो नहीं खिंचाने दिया, हमें समय नहीं दिया, हमें भाषण नहीं दिया, क्योंकि 40 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने बहुत सम्मेलन किए, राष्ट्रीय भी किए, अंतर्राष्ट्रीय भी किए, सारे किए, और मैं इस व्यवस्था को जानता हूं कि एक घर में बारात आती है तो बारात एक परिवार की होती है, एक आदमी से पूछ लेते हैं भाई तेरी व्यवस्था क्या करनी बता दो, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में हर आदमी की अलग अलग मान्यता होती है, हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है, हर आदमी की अलग अलग नेचर होती है, तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था इन्होंने की है, अच्छा प्रबंध किया है, और इस प्रबंध के अंदर यदि कोई कमी रह जाए तो इन बच्चों की ओर से मैं क्षमा मांग लेता हूं, आपसे निवेदन करूंगा, इनको आशीर्वाद देकर के जाना कि आगे भविष्य में आगे बढ़ सकें और बड़ा कार्यक्रम कर सकें। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जैसे कह रहे थे, इस बार हम यहां विज्ञान भवन में हैं, अगली बार हम ताल कटोरा में हों और बड़ा इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो ताकि मैसेज जाएगा, हमेशा संदेश ताकत से जाता है, संदेश संगठन से जाता है। आई भी जगह जगह, यहां भी अधिकारी बैठे होंगे, उनको पता है कि कौन आदमी आया, कौन बोला, कितने लोग थे, क्या मैसेज लेकर के जाएंगे, आपकी कौम की ताकत आपका संदेश आपका संगठन देगा। तो मैं पुनः आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा और इन तीनों नौजवानों को, इनकी पूरी टीम को साधुवाद दूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा, आशा करूंगा कि इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे, कौम को एक रास्ता दिखाया है, एक वातावरण बनाया है। धन्यवाद। जय जाट, जय नौजवान।